27 सितंबर 2024 की रात को लेबनान की राजधानी बेरूत में आईडीएफ के हवाई हमले में हिजबुल्ला का प्रमुख हसन नसरल्ला मारा गया। नसरल्ला के साथ ईरानी सेना के कई कमांडर भी इस हमले में ढेर हो गए और इस हमले के बाद से ही इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा मंडरा रहा था, जो एकदम सच साबित हुआ। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान ने एक साथ इसराइल पर करीब 200 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी। हालांकि इसराइल के अनुसार इनमें से अधिकतर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया था। हैरान करने वाली बात ये रही कि इनमें से कई बैलिस्टिक मिसाइलें थी और एक मिसाइल तो तेल अविव के मोसाद के हेडक्वार्टर के पास जा गिरी। जिससे जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा तक हो गया। हालांकि जब ईरान ने यह हमला किया तो उससे कुछ ही घंटों पहले इसराइल को इसकी भनक लग गई थी और उसने अपने नागरिकों को तुरंत बम शेल्टर में रहने के लिए कहा था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ने इसराइल पर कौन कौन सी मिसाइलें दागी। तो आपको हम बता दें कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया उसने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का नाम दिया है। इस हमले में ईरान ने घादर और इमाद के साथ साथ फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की है। आपको बता दें कि फतेह मिसाइल को पिछले साल जून 2023 को ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इस मिसाइल का नाम फतेह रखा था। फतेह मिसाइल ठोस ईंधन से चलती है और ये एक सटीक गाइडेड 2-स्टेप मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और इसे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये मैक 13 से मैक 14 की स्पीड तक उड़ान भरती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 16,000 से 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ती है। ये हाइपरसोनिक स्पीड की निचली सीमा यानी मैक 5 से 3 गुना तेज है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद ही मुश्किल है। इसमें एडवांस रॉकेट इंजन, उच्च तापमान रोधी मटेरियल और जटिल गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। नवंबर 2023 में ईरान ने फतेह 2 मिसाइल लॉन्च की थी। फतेह 2 भी ठोस ईंधन से चलती है। ये उड़ने वाले विस्फोटक को ले जा सकती है, इसलिए इसे हाइपरसोनिक क्रूज गाइडेड व्हीकल कहा जाता है। फतेह 2 की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। ये 12 मीटर तक लंबी है और 4100 किलोग्राम वजनी है। फतेह 2 के दूसरे चरण का वजन 500 किलोग्राम है, जो 200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है। घादर मिसाइल की बात की जाए तो ईरानी सेना ने इसे 2005 में अपने बेड़े में शामिल किया था। ये शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नया वर्जन है। ईरानी सेना इसे साल 2023 से इस्तेमाल करती आई है। ये मिसाइल पहले चरण में लिक्विड ईंधन पर चलती है, दूसरे चरण में ये ठोस ईंधन से चलती है। इसके बाद इसके 3 तरह के वेरियंट है। घादर एस, जिसकी रेंज 1350 किलोमीटर है, घादर एच की रेंज 1650 किलोमीटर है और घादर एफ की रेंज 1950 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 15.86 से 16.58 मीटर है। इसका वजन 15 से 17.5 टन के बीच है। इसके वर्जन के मुकाबले इसकी लंबाई ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा ईंधन आता है और इसके ऑक्सीडाइजर टैंक बड़े हैं। इसके अलावा ये 1300 से 1500 किलो के प्रोपेलेंट को ले जा सकती है। इसकी वजह से इसका इंजन 10 या इससे ज्यादा सेकंड तक काम कर सकता है। घादर के हथियार के वजन को 1000 किलो से 650 किलो किया गया है, यानी कि इसके हथियार ले जाने की कैपेसिटी को थोड़ा कम किया गया है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से बढ़कर अब 2000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। घादर मिसाइल एक बेबी बॉटल के आकार में बदल जाती है। वहीं इमाद बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये एक नया वर्जन है। ईरानी सेना ने 2015 में इसे अपने बेड़े में शामिल किया था। इस मिसाइल में एक नया डिजाइन वाला गतिशील वॉरहेड लगा है, जिसके आधार पर पंख लगे हैं। ये वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है। ईरान के मुताबिक इसे प्रभावित बिंदु तक गाइडेड और नियंत्रित किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये मिसाइल टारगेट पर सटीक और निर्देशित हमला करती है।
इमाद मिसाइल लिक्विड फ्यूल पर चलती है। इसकी लंबाई 15.5 मीटर तक है और इसका वजन 1750 किलोग्राम है। इसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक है। हमले के बाद से ही अब दोनों तरफ से अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। ईरान के अनुसार उसकी 90% मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं और उनसे इसराइल को भीषण नुकसान हुआ है। वहीं इसराइल कह रहा है कि ईरान के हमले में उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब बात जो भी हो, मिडिल ईस्ट में माहौल बहुत गर्मा गया है और ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू भी अब चुप नहीं बैठने वाले हैं।